हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिल के साथ साथ दिमाग के लिए भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पहले जहां ये बढ़ती उम्र के लोगों में ही देखने को मिलता था, वहां अब युवा और बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक के अलावा किडनी और मस्तिष्क से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि हाई बीपी के लक्षण साइलेंट होते हैं, कई बार तो सालों तक मरीजों को इसका पता भी नहीं चलता। तो अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो अपनी डाइट पर ध्यान देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन पांच फूड्स को खास तौर से बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा। नंबर एक, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटाशियम की मात्रा होती है। पालक, शलजम का साग, पत्ता गोभी और हरा प्याज, मेथी का साग, इन चीज़ों को करें डाइट में शामिल। चुकंदर, बीटरूट यानी चुकंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड की भरपूर मात्रा मौजूद होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को खोलकर ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसका सेवन जूस या सैलड किसी भी रूप में किया जा सकता है। नंबर तीन, बिना मलाई का दूध और दही। दूध से मलाई ना रहे तो उसमें फैट की मात्रा बहुत कम रह जाती है और दूध कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं एक हफ्ते में 5 या उससे ज़्यादा बार दही का सेवन करती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना लगभग 20% तक कम हो जाती है। नंबर चार, केला। केला एक संपूर्ण आहार है और उसमें पोटाशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसके अलावा कैल्शियम भी होता है, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और नंबर पाँच, डार्क चॉकलेट। इसमें 60% तक कोकोआ होता है और दूसरे चॉकलेट्स की तुलना में शुगर भी कम होती है। इसके नियमित सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लें।